वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। कोरल ड्रॉ के अंदर एप्पल लोगो कैसे क्रिएट करेंगे, एप्पल आईफोन का लोगो, उसको आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए आप यहां से एलिप्स टूल को ले लीजिए। लेने के बाद आप इस पर क्या कीजिए, सबसे पहले आपको जाना है कंट्रोल क्यू दबाते हुए और फिर शेप टूल ले लेना है। कंट्रोल क्यू दबाते ही कन्वर्ट टू कर्व पॉइंट आ जाएगा। स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स पर आपको थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ रखना है और नीचे वाले पॉइंट्स पे ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है इसको भी आपको थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करना है और इसके बाद थोड़ा सा इसे अंदर की तरफ रखना है। ऐसा करने के बाद आपको कंट्रोल डी से इसी का डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के बाद इन दोनों को आपको कर देना है ट्रिम। ट्रिम नहीं, आप वेल्ड कर लीजिए। यहाँ से वेल्ड करने के बाद ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। आपको करना क्या है, अब यहाँ से फिर से लेना है शेप टूल और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे आपको रखना है सिमेट्रिक नोट। सिमेट्रिक नोट रखने के बाद आपको थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ ड्रैग करना है और नीचे वाले पॉइंट्स पे भी आपको सिमेट्रिक नोट रखना है। ऊपर वाले पॉइंट पे भी आपको सिमेट्रिक नोट रखना है और थोड़ा सा आपको शेप ऊपर की तरफ लेना है। ऐसा लेने के बाद हमारा ये एक एप्पल का टाइप क्रिएट हो चुका है। आप थोड़ा सा चेंजेस इसमें अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लिप्स लेने के बाद हमने इसे इसके साथ जॉइंट करा और दोनों को सिलेक्ट करते हुए हमें यहाँ से यूज़ करना है बैक माइनस फ्रंट। इससे क्या होगा कि हमारा जो दिखाई दे रहा था सेकेंड ऑब्जेक्ट उतना उसने उसको बैक करके यूज़ करके एक तरीके से ट्रिम कर दिया है। अब हमें इसकी पत्ती बनानी है जिसके लिए हमने यहाँ से फिर से सर्कल ड्रॉ करा कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हुए। दोनों को हमने फिर से सिलेक्ट करा और इसका इंटरसेक्ट पोर्शन हमें ले लेना है। इंटरसेक्ट पोर्शन लेने के बाद आप बाकी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दीजिए और ये जो इंटरसेक्ट ऑब्जेक्ट है इसमें कलर फिल आउट कर लीजिए। सपोज़ यहाँ से ब्लैक कलर हमने कलर फिल कर दिया है और थोड़ा सा इसे यहाँ से रोटेट कर दिया है। इस तरीके से हमने नीचे वाले ऑब्जेक्ट में भी कलर फिल आउट कर दिया है। ये लीजिए, हमारा लोगो तैयार हो चुका है।